नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना, आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। आज की वीडियो पति और पत्नी दोनों के नजरिए से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगर पति या पत्नी किसी भी तरीके की वैवाहिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हें झेल रहे हैं, तो इस वीडियो में दी गई जानकारी की मदद से वो उन परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं और इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ भी उठा सकते हैं। देखिए, जब पति और पत्नी के बीच में वैवाहिक मतभेद हो जाते हैं और वैवाहिक मतभेद कानूनी कार्रवाई या कोर्ट केसेस या मुकदमेबाजी की शक्ल ले लेते हैं, तो ऐसे में पति और पत्नी के बीच में जो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यवश घटना होती है वो ये होती है कि दोनों या दोनों में से कोई भी एक परेशानी से बाहर ही नहीं निकलना चाहता, परेशानी से छुटकारा ही नहीं चाहता, बल्कि वो परेशानियों को और ज्यादा बढ़ावा देने लगते हैं। दोनों के बीच में एक अहम की लड़ाई शुरू हो जाती है, एक नाक की लड़ाई शुरू हो जाती है और दिमाग में ये बैठ जाता है कि अब इसे छोड़ना नहीं है। चाहे वो पति हो या पत्नी हो, दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अब इसे छोड़ना नहीं है, अब इसे परेशान करना है और अब इसे लटका के रखना है। और लटकाने के नाम पर दोनों के पास जो हथियार होता है वो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि अब इसे तलाक नहीं देंगे, इसे परेशान करेंगे, इसे लटका के रखेंगे, इसे किसी भी तरीके का रिलीफ कोर्ट से नहीं लेने देंगे। देखिए, अगर आप भी ऐसी ही किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या दोनों में से एक इस नियत से बैठा है कि आप आपको तलाक नहीं देंगे, सबक सिखा के रहेंगे, परेशान करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, घबराने की भी जरूरत नहीं है। सामने वाले की किसी भी बात को या नाजायज मांग को या पैसे की डिमांड को मानने की जरूरत नहीं है या फिर सामने वाले के सामने गिड़गिड़ाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक ऐसा कानून बताने वाला हूं जिस कानून के बारे में जानते ही आपके अंदर इतना आत्मविश्वास भर जाएगा कि आप सामने वाले व्यक्ति से खुद ये बात कहेंगे कि ठीक है भाई, अगर तू तलाक नहीं देना चाहता या तलाक नहीं देना चाहती तो तलाक ना दे, मैं बिना तलाक के भी कोर्ट की मंजूरी से अब तुझसे अलग रहूंगा या तुझसे अलग रहूंगी। देखिए, साल 2024 में आपको ये कानून बताने वाला हूं, कोई तलाक नहीं दे रहा ना दे, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। कोर्ट के ऑर्डर से बिना तलाक के भी पति पत्नी के बीच में सेपरेशन हो सकता है और पति पत्नी कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर बिना तलाक के भी अलग अलग रह सकते हैं। तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिना तलाक के भी पति पत्नी सेपरेट रह सकते हैं कोर्ट के ऑर्डर से और कोर्ट की मंजूरी से। कि जिस कानून की मैं बात कर रहा हूँ वो कानून है जुडिशियल सेपरेशन। सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट में जुडिशियल सेपरेशन का जिक्र किया गया है, जिसका मतलब है न्यायिक विवाह विच्छेद। एक पति और पत्नी बिना तलाक के भी कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हैं कि वो बिना तलाक के भी अब एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, अलग रहेंगे। जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर पास होने के बाद पति और पत्नी उसी तरीके का आजाद जीवन जी सकते हैं जिस तरीके का आजाद जीवन वो डिवोर्स लेने के बाद जीना चाहते हैं। जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स दोनों में ही पति और पत्नी को एक दूसरे से अलग रहने की मंजूरी मिल जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में कोई फर्क नहीं है। देखिए, जुडिशियल सेपरेशन का मतलब होता है कि पति और पत्नी के बीच में शादी को टेम्परेरी रूप से सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ डिवोर्स में शादी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। जहां पति और पत्नी में से कोई एक तलाक देने को तैयार नहीं होता, ऐसी सिचुएशन में जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर लेकर शादी को टेम्परेरीली सस्पेंड करवाया जा सकता है कि ठीक है, तलाक नहीं देना चाहती मत दो, या तलाक नहीं देना चाहता तो ना दे, मैं बिना तलाक के भी जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर लेके कोर्ट की मर्जी से अब अलग रहूंगा और वैसा ही आजाद जीवन जीऊंगा जैसा जीवन मैं तलाक के बाद जीना चाहता हूं या आजाद जीवन तलाक के बाद जीना चाहती हूं। जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर लेने के बाद पति या पत्नी, जिसने भी जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर लिया है, उस पे किसी भी तरीके का दबाव नहीं रह जाता, ना ही दूसरा पार्टनर उसके ऊपर दबाव बना सकता कि अब तू वापस आकर मेरे साथ रहे। वो पूरी तरीके से आजाद होता है, उसके ऊपर साथ रहने की कोई बाउंडेशन, कोई जिम्मेदारियां नहीं होती, ना ही उसके ऊपर किसी भी तरीके की वैवाहिक संबंधों के बाद वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां रह जाती, लीगल राइट्स रह जाते या ऑब्लिगेशंस रह जाती। पूरी तरीके से वो आजाद होता है जुडिशियल सेपरेशन के ऑर्डर के माध्यम से। अब देखिए, आप इतना तो समझ गए होंगे कि जुडिशियल सेपरेशन के ऑर्डर के बाद आपके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं रह जाता कि आप एक दूसरे के साथ रहें।
आप पूरे तरीके से आजाद होते हैं, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट होता है, लीगल ऑर्डर होता है एक दूसरे से अलग रहने का, सेपरेट रहने का, और आपके ऊपर साथ रहने का कोई भी दबाव नहीं बनाया जा सकता। अब साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि अगर आप जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या आधार हैं, क्या क्या ग्राउंड्स हैं और क्या क्या कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस के बेस पर आप अपने फेवर में, अपने हक में जुडिशियल सेपरेशन यानी न्यायिक विवाह विच्छेद का ऑर्डर ले सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन है, अगर पति पत्नी के बीच में हद से ज्यादा झगड़े होते हैं, झगड़े इस कदर बढ़ चुके हैं कि आप साथ रहना मुमकिन नहीं है, एक दूसरे के ऊपर तरह तरीके के लालचन लगाई जाती हैं या गाली गलौच होती है और घर का माहौल उन झगड़ों से बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं बची, इस आधार पर, इस ग्राउंड पर आप कोर्ट से जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर ले सकते हैं। इसके अलावा पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक एडल्ट्री में किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रहा है, उसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ, किसी महिला या पुरुष के साथ नाजायज संबंध है, ऐसी सिचुएशन में भी आप कोर्ट से जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर ले सकते हैं। पति और पत्नी दोनों को अलग अलग रहते हैं अगर 2 साल से ज्यादा हो गया है, यानी पति और पत्नी पिछले 2 साल से ज्यादा हो गया है और वो एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे, पति और पत्नी पिछले 2 साल से ज्यादा एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी कोर्ट में अर्जी लगाकर जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर लिया जा सकता है। पति पत्नी में से अगर किसी भी एक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है तो ऐसी सिचुएशन में भी कोर्ट से जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर लिया जा सकता है। पति या पत्नी में से किसी भी एक व्यक्ति को मानसिक बीमारी है और वो मानसिक बीमारी इस कदर बढ़ चुकी है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, यानी लाइलाज मानसिक बीमारी अगर किसी को हो गई है पति या पत्नी में से एक, तो ऐसी सिचुएशन में भी जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर लिया जा सकता है। अगर किसी को, पति या पत्नी में से किसी भी एक को लाइलाज कोड की बीमारी है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर लिया जा सकता है, लेकिन बीमारी ऐसी होनी चाहिए जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, बीमारी लाइलाज होनी चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक को लाइलाज संक्रमण से जुड़ी बीमारी है, संक्रमण से जुड़ी बीमारी का मतलब है कि अगर कोई ऐसी बीमारी है जो छूने से फैलती है और वह बीमारी लाइलाज हो चुकी है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर लिया जा सकता है। अगर किसी ने, यानी पति या पत्नी में से दोनों में से किसी भी एक ने संन्यास ले लिया है या सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर लिया जा सकता है। पति या पत्नी में से कोई भी एक पिछले 7 सालों से लापता है, उसकी कोई जानकारी नहीं है और ना ही उसके रिश्तेदारों को उस व्यक्ति की कोई भी जानकारी है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जहां व्यक्ति पिछले 7 सालों से लापता है और उसकी किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं है, ऐसी सिचुएशन में भी कोर्ट से जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर पहला पति या पत्नी के जीवन काल में कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है या कोई महिला दूसरी शादी कर लेती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बलात्कार के केस में इन्वॉल्व है या बलात्कार का केस उस पर चल रहा है, रेप का कोई केस उसके ऊपर चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से भी जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर कोर्ट के माध्यम से लिया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि जुडिशियल सेपरेशन लेने के क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या आधार हैं और कैसे जुडिशियल सेपरेशन के माध्यम से उस व्यक्ति को, उस महिला या उस पुरुष को एक करारा जवाब दिया जा सकता है जो ये सोच बनाए बैठा है कि अगर इसे तलाक नहीं देंगे या इसे तलाक नहीं दूंगी तो सारी जिंदगी ये लटका रहेगा और परेशान रहेगा और इसे मैं इस माध्यम से परेशान करती रहूंगी या करता रहूंगा। उन लोगों के लिए ये कानून करारा जवाब है कि तलाक देना है या नहीं देना है कोई दिक्कत नहीं है, जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर हम लेके आसानी से एक आजाद जीवन जी सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। आपका कोई सवाल, आपकी कोई क्वेरी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बात का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ विदा लेता हूं, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ,
स्टे अलर्ट, आपका दिन शुभ हो।